शेल कंपनियों का मामला है मिस्टर सिब्बल का कहना है कि अभी एफ अभी तक नहीं हुआ इसमें जो सुनवाई हो रहा था उसमें क्रेडिबिलिटी एक मेंटेनेबिलिटी शेल कंपनीज और पूजा सिंगल के यहाँ रेड हुआ है उसमें क्या मिला है ये चारों चीजों पे हुआ है मुख्यमंत्री के निवास के लोग आपसे खुश नहीं है नहीं। तो हमने बोला कि जिस बात के लिए अन है बोलिए कि हम क्या करें उनके लिए क्योंकि थ्रेटनिंग जो हमको मिल रही है उसका नॉलेज तो हमको डीसी से हुआ हमारा एफिडेविट है कि इसकी भी जांच सीबीआई करेगी कि कितने बजे वो कॉल हुआ और उनका निवास स्थान आवास का जो सीसीटीवी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए कि कौन गया था नमस्कार एस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी सत्रह में हेमंत सोरेन के लिए काफी अहम था अकूत संपत्ति अर्जित और सेल्स कंपनियों के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है क्या कुछ हाँ, आज सुनवाई में हुआ है हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे अधिवक्ता राजीव कुमार जी से राजीव जी एस न्यूज में स्वागत है आपका क्या कुछ कंपनियों के मामले में सुनवाई हुई और आज जो है माइंस वाले भी मामले में सुनवाई हुई और तीसरी याचिका जो थी अरुण कुमार दुबे का उसको भी साथ में रख लिया गया है माननीय न्यायालय ने रख लिया अब ये जो सुनवाई है इसमें मिस्टर कपिल सिब्बल ने बताया कि का कहना है कि ये क्रीडेंशियल और मेंटेनेबिलिटी पे है दूसरा ये है कि ये जो शेल कंपनियों का मामला है मिस्टर सिब्बल का कहना है कि अभी एफआईआर अभी तक नहीं हुआ तो सीबीआई जांच क्या करेगी इस पर तुषार मेहता साहब का कहना था कि प्रेजेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में कई केसेज में हैंड माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जा सकती है इस पर मिस्टर मुकुल रोहतगी साहब का भी पार्ट जो है सुनना था नहीं। नहीं। माइनिंग वाला में वो अभी सुनवाई नहीं हो पाया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं। नहीं। लेकिन क्या है कि इसमें जो सुनवाई हो रहा था उसमें क्रेडिबिलिटी क्रिडेंशियल मेंटेनेबिलिटी शेल कंपनीज़ और पूजा सिंगल के यहाँ रेड हुआ है उसमें क्या मिला है ये चारों चीज़ों पे हुआ है तो अतः अब ये क्या है कि पूजा सिंगल के यहाँ से जो मिला है वो एक तरह से ईडी ने कहा है कि हुजूर देख लिया जाए हुजूर ने देखा माननीय बेंच ने और अपना जो ओपिनियन है उसको फॉर्म करा होगा और इसकी सुनवाई परसों रखा गया है अब ये सुनवाई पार्ट हड है उसकी पुनः सुनवाई वी मोड से ही होगी परसों ईडी जो है अब तक छापेमारी कर रही है कई अहम दस्तावेज में मिले हैं और कई दस्तावेज जो है वो सील लिफाफे में हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं तो क्या वो लिफाफे खुले उन, उनसे क्या कुछ माननीय न्यायालय ने जो मांगा था डिटेल हुँ. वो माननीय न्यायालय के समक्ष मिला माननीय न्यायालय ने उसको देखा खुले लिफाफे खुले, खुले माननीय न्यायालय ने देखा पुनः उसको सील सकता कोई नहीं बोल सकता ये जो कॉल डिटेल की बात सामने आ रही है कि आपने रांची डीसी को कॉल किया था ये क्या है पूरा मामला इसको बताएंगे देखिए जिस दिन का ये घटना है उस दिन का कॉल डिटेल कॉल डिटेल क्या मेरे पास स्क्रीन शॉट है वो चार बज के नौ बज के छियालीस मिनट में कॉल किए थे बुलाया मुख्यमंत्री के निवास के लोग आपसे खुश नहीं है नहीं। तो हमने बोला कि जिस बात के लिए अन है बोलिए कि हम क्या करें उनके लिए उनका कहना था कि नहीं आप जो है हमको और यहाँ के सीनियर एस को बोला गया है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए तो हमने कहा कि कल से डिस्टर्ब कीजिए तो उनका कहना वो वही सजेस्ट किए थे कि एफिडेविट फाइल कर दीजिए जब कभी भी ये लोग बोलेंगे कुछ करने के लिए तो हम बोल देंगे कि मान्य माननीय न्यायालय में पेंडिंग है तो हमने एफिडेविट फाइल कर दिया था अब चूंकि थ्रेटनिंग जो हमको मिल रही है उसका नॉलेज तो हमको डीसी से हुआ हमारा एफिडेविट है कि इसकी भी जांच सीबीआई करेगी कि कितने बजे वो कॉल हुआ और उनका निवास स्थान नि, आवास का जो सीसीटीवी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए कि कौन गया था बहुत ऐसी बातें होती हैं हम उनके फैमिली के बारे में पूछा था बहुत बात बात आदमी करता है पर्सनल लेकिन कोई तरह का ना मैंने पैरवी किया और पैरवी करने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ती किसी को और कोई सोच भी नहीं सकता कि हम किसी किसी के यहां पैरवी कर सकते हम किसी का फोन ऑन नहीं करते हैं किसी के यहाँ जाते हैं आज तक यही प्रिजर्व किए हैं अपने को सर तो सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या लगता है इस मामले में सीबीआई जांच ही क्यों होनी चाहिए कौन वाला मामला सीएम वाले मामले देखिए चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही गृह मंत्री है उन्हीं के अंदर पूरी पुलिस महाकमा आता है एंटी करप्शन ब्यूरो आता है कोई भी जांच यदि होगी कलकत्ता में जांच करनी है तो लोकल पुलिस नहीं करेगी नहीं। इसी के लिए बाहरी एजेंसी से इसके कराने की हम लोगों ने गुजारिश की तो अब ये पूरा मामला आप कैसे देख रहे हैं परसों जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ हो सकता है क्या सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट आदेश दे सकते हैं अभी वो प्रीमेच्योर है बोलना अभी नहीं बोल सकते अभी तो सुनवाई ये लंबा हो और जाएगा जो भी हो अब तो हम लोग आर्गूमेंट करेंगे माननीय न्यायालय जैसे

प्रेजिडेंट रूल था हुँ. नहीं तो मधुकुड़ा की सरकार थी हुँ. क्योंकि 2006 में तो अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई थी हुँ. 2000 से 2005 एक सरकार हुँ. 2006 दिसंबर तक एक ग्यारह या बारह महीना चला था हुँ. एक सरकार हुँ. उसके बाद जो है मधुकोड़ा की उनचालीस महीना सरकार हुँ. चार चार साल उनचालीस महीना या अड़तीस साल महीना चला हुँ. उसके बाद प्रेसिडेंट रूल हुँ. शायद फिर प्रेसिडेंट रूल उस समय सीबीआई रेड प्रेसिडेंट के जो ओएसडी और उनके पीए सभी जो साहब लोग हैं उनके खिलाफ हुआ था लोग बहुत चीज भूल जाते हैं लेकिन हमें एक एक चीज एक एक इंच याद रहता है तो अब क्या कुछ किया अपूजा सिंगल को भी इसमें जोड़ दिया जाए इस केस में सेल्स कंपनी बीज़ को बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है तो हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता राजीव कुमार बात कर रहे थे और जैसा कि हमने कहा कि आज हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अकूत संपत्ति अर्जित और सेल्स कंपनियों को लेकर सुनवाई हुई और अब यह सुनवाई अगले सुनवाई की तारीख 19 में रखी गई है तो अब देखना होगा कि गुरुवार यानी कि उन्नीस मई को सीएम हेमंत सोरेन को लेकर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे दृष्टि न्यूज